मध्य प्रदेश जिला खरगोन तहसील गोगांव में समाज सेवी एवं कांग्रेस के दबंग नेता हाजी महमूद सेठ का निधन हो गया था। महमूद सेठ के निधन के 13 दिन बाद गुरुवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। उनके साथ पूर्व सांसद अरुण यादव, विधायक झूमा सोलंकी तथा विधायक केदार डावर सहित कई कांग्रेसी नेता भी महमूद सेठ से मिलने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि गोगांव के महमूद सेठ हमारे भाई समान थे, जिनके साथ मेरा 40 वर्षों से रिश्ता रहा। पहले उनके मझले बेटे का निधन हो गया था, उसके बाद महमूद सेठ का निधन हो गया है, इसलिए सेठ के परिवार से मिलने आए हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उमा भारती द्वारा मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बात कही गई थी। इस पर उन्होंने बताया, कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनकी बात माननी चाहिए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा बहुमत पर एवं कांग्रेस के समर्थन करने की बात को टाल दिया। साथ ही उनसे कमलनाथ सरकार में ऋण माफी में खरगोन जिले की खरगोन तहसील के किसानों के साथ हुए पक्षपात की बात पूछी गई, जिस पर उन्होंने कहा, कोई किसान नहीं छूटा है। आप पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव से पूछ सकते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट है। इसके बाद दिग्विजय सिंह का काफिला मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ, जहां हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर उनका काफिला बुरहानपुर के लिए रवाना हुआ। गोगांव से संवाददाता इकबाल हकीम की रिपोर्ट। जो हमारे पापा का तेरवा था, सुद्दे से राजा साहब आए थे भेटने, और उनकी मतलब बहुत गहरी दोस्ती थी राजा साहब से। उनके साथ में अरुण यादव जी, झूमा सोलंकी जी, केदार डावर, ऐसे बहुत सारे और भी दीगर नेता आए थे, और गांव के भी बहुत सारे लोग थे, हमारे साथी थे, हमारी बहजारी थे और दूसरे नेता भी थे। क्या नाम है आपका? मुबारक महमूद सेठ बोल रहा हूँ। हमारे महमूद सेठ हमारे भाई समान थे, और हम लोग का 40 साल का रिश्ता रहा। पहले तो उनका बेटा चला गया, फिर खुद चले गए, मुझे बड़ा दुख है। सर, भोपाल की सांसद, उनने शराबबंदी की बात करी है, प्रज्ञा साध्वी ने, कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए। उमा भारती भी चाह रही है, वो भी चाह रही है, शिवराज सिंह जी को बात माननी चाहिए। सर, यूपी के जिस प्रकार से चल रहा है चुनाव प्रचार, ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? नहीं जाने दिया। कमलनाथ की सरकार में ऋण माफी के लिए किसानों का, उसमें खरगोन जिला क्यों नहीं छूटा है? इधर किसी का माफ नहीं हुआ है, सभी दूर 2-2 लाख के माफ हुए। आप सचिन को तो पूछे, सचिन के पास तो पूरे हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।